हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं देखने वाली हूँ आपके लिए आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जीज, उनकी ट्रू फीलिंग, उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेके, ये देखेंगे। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें मे बी हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, क्योंकि हम एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। समटाइम ये भी पॉसिबल है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, और समटाइम ये भी पॉसिबल है कि आपसे कुछ भी रेजोनेट ना हो। तो ओपन माइंड से देखिएगा, ठीक है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। ओके, सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन एंजल क्या है, उनकी करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है यूनिवर्स। ओके, नंबर्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। नंबर्स व्यूअर्स आपके लिए नज़र आते हैं यहाँ पे 6, 9, 2, 2, 20। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे उनकी फीलिंग्स देख रही हूँ, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो व्यूअर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें, सो दैट आपको जो इन फ्यूचर वीडियोज़ अपलोड होंगी वो आप तक उनके नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एक तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरियस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। कैंसर राशि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वेंड्स, ठीक है। सो ये कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाल लिए हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा आपके लिए एडजस्ट कर देती हूँ, अब आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे राइट नाउ सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है, इस पर्सन के मन में आपसे बात करने की, आपसे मिलने की कसक सी उठती हुई नज़र आती है। कसक जानते हो? हाँ, वही, उसी की बात कर रही हूँ। सो व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति हैं आपके, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड, अनमैरिड, जो भी हो, इन्होंने अपनी लाइफ में ना आपके साथ में, आपका जब इसकी इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप रहा है, मे बी दे डिसीव यू, और इन्होंने अपना जो वादा है आपके साथ में, जो इस पर्सन ने, कहते हैं ना हम कसमें खाते हैं, वादे करते हैं एक रिलेशनशिप में आने के बाद में, सो वो जो वादे हैं आपके साथ में जो इस पर्सन ने बोले थे, जो उनको निभाने थे, मे बी इस पर्सन ने नहीं निभाए, अपना वादा आपके साथ में तोड़ के किसी और को चुना है, ठीक है। अब वादा तोड़ने का मतलब ये होता है, यानी आप एक अगर रिलेशनशिप में हो तो आपकी कुछ ना कुछ उम्मीदें होती है सामने वाले से, कि हाँ भाई सामने वाला मुझे जो है ये देगा, या ये फुलफ़िल करेगी या करेगा, या हमारा फ्यूचर होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहेंगे, मे बी शादी करेंगे, है ना, शादी करेंगे, या शादी आपकी हो चुकी थी। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें लव से ही शुरू होती है, एक्सपेक्टेशन से, ड्रीम से, क्योंकि जब एक कनेक्शन बनता है तो ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन आपके पर्सन इन चीज़ों को बोल रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि यस आई डिसीव यू, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, अपना वादा तोड़ा है, वादा खिलाफी की है, भागे हैं अपने वादों से, पूरा नहीं किया है। लेकिन
जिस पर्सन को इन्होंने आपके अपोजिट रिप्लेस किया है, वो उस व्यक्ति के साथ में व्यूअर्स ये जो पर्सन है मुझे उतना सेटिस्फाई नहीं नज़र आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज इस पर्सन के दिल में जो कसक है वो इसको बार 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 आपकी तरफ बढ़ने पे, आपको पाने पे, आपके साथ में जुड़ने पे एक मजबूर सा कर रही है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी चली गई है, नहीं, थर्ड पार्टी नहीं गई है, थर्ड पार्टी स्टिल अवेलेबल, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं इनका आपकी तरफ जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं वैसे अगर देखा जाए आपको छोड़ चुके हैं, बट ये दिल से आपको नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो, इस पर्सन के मन में बार 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 आपको लेके, मतलब जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो इनको आपको स्टॉक करने पे, आपको वॉच करने पे बहुत मजबूर कर रही हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं मे बी किसी अनदर अकाउंट से या छुप छुप के, ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं आपको देखते हैं, स्टॉक वॉच करते हैं, मे बी आप तक रीच आउट डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, बट दे वॉन्ट, यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आ रही है। अब इस पर्सन के दिमाग में अगर आप देखेंगे, झांकेंगे, तो इस पर्सन के दिमाग में है कि वो आपसे मिलने आए, आपसे बात करें, आपको अपनी फीलिंग बताएं, वो आपसे इंटीमेसी बढ़ाएं, आपका जो प्यार है वो ये पर्सन दोबारा से हासिल करे। तो ये फीलिंग से ड्राइव होती है, एनर्जी है जहाँ पर इंसान अपनी भावनाओं पे खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये कह सकते हैं, या फिर ये कहें कि इस पर्सन का जो आपको लेके जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है दिनों दिन जो बढ़ता जा रहा है, आपको छुप छुप के जो स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं, उसे इस पर्सन के मन में आपको लेके जो प्यार इन्होंने खुद या तो ख़त्म किया था वो फिर से पनप रहा है, फिर से वो ओवर हो रहा है। और इस पर्सन के ऊपर आपके प्यार का कहूँ कि जादू है कि वो चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी अगर इसमें गलती होती, इस कनेक्शन के ब्रेक होने में, तो समवेयर ये आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखते। ठीक है, ये अगर मूव ऑन हो जाते तो हो जाते, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जीज है वो ये बता रही है, दे ड्राइव फॉर लव। ठीक है, जितना किसी को भूख होती है प्यार की, इमोशनल कनेक्शन की, सपोर्ट की, इंटीमेसी की, तो वो जो भूख है वो स्टिल अवेलेबल है। ठीक है, यानी गलती आपकी नहीं थी इस कनेक्शन में ब्रेक होने की, समवेयर गलती इस पर्सन की थी, इन्होंने किसी और की तरफ या तो आकर्षण हुआ या फिर किसी और को चुन लिया किसी वजह से, मे बी फैमिली प्रेशर में या फिर वैसे ही। ठीक है, हर एक की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। हम जो सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हैं वो ये दिखाती है कि भाई इस पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़ क्यों रही है, अगर ये खुद मूव ऑन करके गए हैं, खुद आपको छोड़ के गए हैं, या फिर आपने ही इनको छोड़ा है, तो क्या है सिचुएशन, क्या है रियलिटी। तो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनसे गलत फैसला हो गया इस कनेक्शन में। ठीक है, ये सोच समझ के इन्होंने डिसीजन लेने की कोशिश की, जैसे सिचुएशन थी या जो उनको सही लग रहा था, जो उनका माइंड काम कर रहा था, इन्होंने वो चीज़ें कर दी। लेकिन आज आपके पर्सन अपना जो डिसीजन जो इन्होंने लिया था उसको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, प्रीवियस एनर्जी को दोबारा से रिपीट करने वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो मैं ये बोलूँगी, अब जो पहले गेम आपके पर्सन ने आपके साथ खेला था, गेम कहूँगी क्योंकि जब यहाँ पे ये चीज़ें आपके साथ में चल रही थी, छुप छुप के चल रही थी, छुप छुप के मतलब ये आपके सामने सड़न आई, मतलब आपके साथ में भी कनेक्शन चल रहा था, आपके साथ में मतलब ये मैरिज को लेके इन्होंने वादे जो करे थे उसको बोल रहे थे, हाँ फुलफिल करूँगा 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 या करूँगी, फिर सडन आपके सामने आया यार ये पर्सन तो किसी और से हुकअप हो गई है या हो गया है ना, आपको पता भी नहीं चलने दिया। जब आपको पता चला तो आपका दिल बहुत टूटा, आपने बहुत इस पर्सन को मनाने की, रोकने की, इस पर्सन को अपने प्यार की वास्ता देने की कोशिश की, पर इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया, अपना जो डिसीजन था वो एक बार बना लिया और आपसे धीरे धीरे कम्युनिकेशन करना बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, आप ही को छोड़ दिया। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखाती है कि वो जब चीज़ें आपके सामने आई तो आपका कनेक्शन यहाँ पे ब्रेकअप में गया, लेकिन स्टिल ये जो पर्सन है, मैं भी उनसे शादी भी कर चुके हूँ कुछ लोगों के पार्टनर, मैं हर एक के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये फिर से आपसे मतलब वो प्यार जो इनको आपसे मिला है वो इनको क्रेज़ी कर रहा है आपके लिए फिर से, और ये आपको छाँके भी छोड़ नहीं पा रहे हैं।
अपने दिल से। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं देख रही हूँ फिर से आ रहे हैं आपकी लाइफ में, दे थिंक अबाउट इट कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे अपने दिल की फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। आपको ये सब बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपनी लाइफ में हर वक्त मतलब उलझ गया हूँ, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे दो पार्टों में इन्होंने खुद अपने आप को बांट लिया है। दो दुनिया है इस पर्सन की, एक डार्क साइड है और एक मतलब फ्रंट साइड है, ठीक है। एक दुनिया को दिखाने के लिए लाइफ है और एक है खुद के लिए लाइफ, जो ये खुद के लिए जीते हैं। तो समवेयर ये आप हो सकते व्यूअर्स यहाँ पे, कि जहाँ पर आपका एक साइड है जो मे बी ये पर्सन दुनिया के सामने ना लाएं, या फिर आप इनका एक ऐसा पार्ट हो सकता है जो दुनिया के सामने और डार्क साइड इनका कहीं और चल रहा हो, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स बताती हैं कि ये पर्सन फिर से आपके साथ में लव रोमांस ये सब चीज़ें पाने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। दे विल टेक एक्शन सून, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे है, और वो आपको अपने प्यार में जैसे कहते हैं ना चाशनी में डुबाने वाली एनर्जी, वो इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन हाँ, इस पर्सन के जो प्यार पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो इंसान कहते हैं ना एक बार अपने अगर कमिटमेंट तोड़ दे तो आपको दोबारा से वो कमिटमेंट अपना पूरा करेगा, आप इस चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका प्यार तो आपके लिए दिखाई देगा, पर उसमें एक जो होगी एनर्जी वो होगी कमिटमेंट की कमी, कि उसमें कमिटमेंट नहीं हो सकता है। मे बी ये बोले कि मैं दोनों रिश्ते चला सकती हूँ या दोनों रिश्ते चला सकता हूँ, ठीक है, वो भी चलेगा तुम भी चलोगे इस तरह से, ठीक है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मे बी अपनी कोई मजबूरी बताएं आपके पर्सन। बट यस, मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो यही दिख रही है कि ये जो पर्सन है ना ये समवेयर फ्लर्टिशियस एनर्जी में है आपके साथ में, और ये दोनों रिश्ते यहाँ पे चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको आपके साथ में मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली एनर्जी आ सकती है कि ये पर्सन मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं आपके साथ में। तो ये देखो जो भी है मैं क्लियर कट आपको बता रही हूँ, सो दैट बाकी देखो ये जनरल रीडिंग है, आप जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग ही देखें। कुछ लोग के लिए बात हो सकता है ये रेजोनेट ना हो कि भाई वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, ये एनर्जी तो यहाँ पे है, ठीक है। बाकी चलिए हम और कार्ड से भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इनका ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। लेकिन ये तो है, अब आपको छोड़ के ये पर्सन मतलब खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, जो इनको मिला ना वो इनको वो नहीं दे सकता जो आप दे सकते हो, ठीक है। यानी आप उनके लिए राइट नाउ उस पर्सन से, उस थर्ड पार्टी से बेहतर हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि आपकी वैल्यू क्या है, सो आप अपनी वैल्यू को समझो, है ना, अपनी वैल्यू डाउन मत होने दो, क्योंकि ये जो पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ में खुश होते तो ये आपकी तरफ नहीं आते, ये आपके लिए ऐसा नहीं सोच रहे होते, ये आपको पाने के लिए तड़प नहीं रहे होते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मे बी इन्होंने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया थर्ड पार्टी को, बट इनको वो जो फिजिकल सेटिस्फैक्शन है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, मेंटल सेटिस्फैक्शन है, वो नहीं मिल पा रहा है। सो लेसे आपके लिए ट्रू इंटेंशन क्या है इस व्यक्ति की, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स, स्टार, एस ऑफ वैंड एंड दी यस। देखो सारी एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे अगर हम देखें वैंड्स की आ रही है, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं आपको लेके फीलिंग्स, भावनाएं, और वही कार्ड रिपीट हो गए। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, अट्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके बहुत एक्साइटेड है, और ये इस बात को लेके भी यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कहते हैं ना मैनिफेस्ट करना किसी को पाने के लिए, कि ये पर्सन मेरे से फिर से मेरी लाइफ में आ जाए, कुछ हो जाए, मैं उसको पा लूँ, उसके दिल में मेरे लिए प्यार जाग जाए, वो मुझे फिर से चाहने लगे, मुझे अपना ले, इस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पे है। तो स्टॉक एंड वॉच तो बहुत बहुत कर रहे हैं, और स्टॉक एंड वॉच करने का सिर्फ एक ही जो है मकसद है कि कैसे वो आपसे फिर से रिलेशनशिप अपने बनाएं, ठीक है। यस, यहाँ पे यही एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन में आप थोड़ी सी ऑनेस्टी की कमी समझ पाएंगे, ये आपको बाद में रियलाइज़ होगा, जब आप इस चीज़ को बाद में देखेंगे ना, फील करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पर्सन है दी जो बोल रही थी मे बी समवेयर वैसा ही यहाँ पे दिखा रहे हैं,
ठीक है। तो अभी की एनर्जी तो यहाँ पे दिखा रही है नॉन कमिटेड, आगे इन फ्यूचर अगर कुछ चेंज हो जाए तो हम कह नहीं सकते, बट अभी तो ये नॉन कमिटेड एनर्जी है, जस्ट वांट लव एंड लस्ट, ये वो एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो लेट्स सी, आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देखते हैं यहाँ पे, और भी कुछ आपको इससे क्लैरिटी मिल जाएगी। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के, इनके पार्टनर के चैनल मैसेज बताएं, ट्रू हार्ट मैसेजेस, उनके लव मैसेज क्या हैं। ओके, आई एम सो एम्बेरस ओवर माई एक्शन, तो जो इन्होंने आपके साथ में किया है ना उसको लेके एम्बेरस फील कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलेंगे आपको सॉरी वगैरह, सो डोंट वरी। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते, ये मैंने बोला था आपको जब रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे थे। यू इंस्पायर मी, आप उनके लिए एक ऐसे हो जो कि उनको एक स्पार्क देता है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ में इनकी लाइफ कैसे चल रही है, बोरिंग सी है ना, आपके साथ में क्या है, एक्साइटमेंट रहा है लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए इसलिए इस तरह की फीलिंग आ रही है। लेट मी परस्यू यू, तो आपको कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका सीधे सीधे यही मतलब निकलता है। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अप्स एंड डाउन, तो आपका होना ही इनकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल एक सिरे से पलट सकता है, जैसी लाइफ ये करंटली जी रहे हैं जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। आई एम फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन, यहाँ पर आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ में किया है उसके रिजल्ट अब ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो कहते हैं ना कर्मा रिटर्न बैक, तो वो चीज़ें होती है, अब ये क्या है, सेटिस्फाई है ही नहीं अपनी लाइफ से, चुन तो लिया थर्ड पार्टी को लेकिन सेटिस्फेक्शन मिला क्या, नहीं। वो एक बॉन्डिंग जो होनी चाहिए ना कनेक्शन में, वो तो इनको आपके साथ में मिलती थी, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट केयर्ड, आपसे बात करना चाहते हैं पर डर रहे हैं अपनी फीलिंग को बताते हुए, ठीक है। तो आपसे बात तो करेंगे, ये तो है यहाँ पे, लेकिन सही मौका देख के, सही तरह से आपको देख के। आई फियर यू विल नेवर फॉर गिव मी, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इन्हें माफ़ी नहीं करोगे, आप इन्हें ट्रिगर करोगे अब, ठीक है। इन्होंने जो भी आपके साथ में किया है ना, आप उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आज इन्होंने अपना डिसीजन ब्रेक किया, कल अपना कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर आपकी एनर्जी को भी चेक किया था, इसीलिए मैंने बोला कि जो एक बार अपना कमिटमेंट ब्रेक कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, आप समझ सकते हो ना, टाइटली वाला हग। सो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग, अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली है तो इसे प्लीज़ क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आप पर्सनिंग चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनिंग चार्जेबल है, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग पर्सनिंग आपको इस नंबर पर यहाँ पर पता चल जाएगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड।